होटल से चेकआउट कर दिया, नहा धो के निकल लिया अच्छी तरह। गर्म पानी तो इतना मस्त था कि मज़ा आ गया नहाने में। मैं तो निकल ही ना रहा था बाथरूम से। और होटल जो था वो अच्छा था, 800 रुपये थे, कोई ये नहीं परेशानी है, बहुत अच्छा होटल है, आप रह सकते हो। पेट्रोल पंप के सामने है, देवप्रयाग से 1-2 किलोमीटर पहले। और अभी आपको ये देखिए, ये सुबह का व्यू है, धूप अच्छी निकल रही है और धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है। यहाँ पे मौसम तो साफ है, अब देखते हैं स्नोफॉल मिले ना मिले। और अभी टाइम हो गया है 8:15 और टेम्परेचर है यहाँ पे 8 का, ये देखो। और ये यहाँ पे ये एक पहाड़ है ना, जो ये देख रहे हो आप, ये लैंडस्लाइड का है, ये पीछे भी ऐसे लैंडस्लाइड हो रहा था ये सारा। तो यहाँ पत्थर गिरते रहते हैं, रात को भी वैसे सफ़र करें तो बस थोड़ा सावधानी से। ये देखिए सामने ये पूरा। और विक्रम भाई ठीक आया, मज़ा बढ़िया बढ़िया, फुल इंजॉय है, हाँ फुल है ना, चलते विक्रम। हाँ बिल्कुल चलेंगे, हाँ। देवप्रयाग देवप्रयाग आगे चलते हैं, संगम देखते हैं, अलकनंदा और भागीरथ का जो नदियों का संगम हो रहा है उनको हम भी, मैं तो फर्स्ट टाइम देखो, भाई तो मेरे ख्याल से देख चुका है, देख लिए ना, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, तो देखते आगे आपको दिखाते हैं फिर। तो अभी देवप्रयाग आने वाला है और विक्रम वो हीटर के हुआ भाई, वो हीटर देख रहा था, हीटर रूम में हम अपना हीटर रोड रोड सब लगा रखी, और वो बार बार कह रहा भाई हीटर बढ़िया, भाई हीटर बढ़िया। उन्होंने कह रहा आप लोगों ने हीटर चला रखा रूम में है ना, बिजली का बिल बढ़ा दिया, पूरी रात हीटर चलाए भाई। ठंड तो है पूरी, ऐसी बात नहीं है, मौसम तो साफ है लेकिन ठंड तो है पूरी, धूप अच्छी निकल रही, हाँ धूप तो अच्छी निकल रही है यहाँ। अब देखे स्नोफॉल तो यार गूगल तो बता रहा है, अब गूगल की क्या माया है, पर वो 11-12-13 पे चला गया ना। और रोड तो भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रोड में तो कमी नहीं है, बस वैसे खराब है। हाँ हाँ बस ये है कि रात को आप चलो तो जो लेफ्ट साइड है उधर गाड़ी मत दबा के रखो, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में पत्थर गिरते रहते हैं, रात को भी गिरे थे, हमारी गाड़ी का हल्का सा वो भी टूट गया कांच, लेकिन अब उसको क्या दिखाए, कोई छोटा सा पत्थर आया था। ये देवप्रयाग पहुंच गया है और ये अलकनंदा और भागीरथ का संगम कितना अच्छा लग रहा है, और व्यू तो बहुत अच्छा है, ये दोनों नदी मिल रही है यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये एक ही जा रही है। ये सारा देवप्रयाग है, अच्छा लग रहा है यार विक्रम। हाँ लेकिन नीचे जाने का रास्ता मेरे ख्याल से वहां से होगा, वो पुल है ना, वो देखना पड़ेगा, है ना, पैदल चलेंगे। तो ये आपका संगम हो रहा है, और एक लोकल मिला था उससे पूछी थी भाई क्या है इसका कहानी, लेकिन वो बता नहीं पाया। पंडित जी बताता है। हाँ नहीं बहुत अच्छा व्यू है, अलकनंदा और भागीरथ का संगम है ये। और वो लोकल तो हमें वहां भेज रहा था, कह रहा वहां से दिखाई देगा। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं जहाँ अलकनंदा और भागीरथ दोनों का संगम होता है। तो रोड से आ रहा ऊपर से, और ये सामने ये अलकनंदा या भागीरथ, ये दोनों यहाँ से नीचे ना आगे से ये, तो ये रास्ता है अभी आपको दिखा दिया। तो जा रहे हैं मंदिर के वहाँ हैं, तो अभी हम थोड़ा गलत रास्ता आ गया और बताया ये अलकनंदा है और भागीरथ उस तरफ से आ रही है, तो वहाँ दोनों का संगम हो रहा है, और वो घाट है वहाँ पे हम जाएंगे अब। तो ये रास्ता था, ये भी वैसे जा रहा है अलकनंदा के पास, लेकिन वहाँ दोनों का संगम मिलेगा, तो वही देखने जा रहे हैं अभी। तो ये रास्ता है जो घाट की तरफ जा रहा है पुल के ऊपर से, और बहुत ही अच्छा है व्यू ये पूरा। ये देखिए ये है आपकी अलकनंदा, और साउंड कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त है ना, मतलब एक नेचर का साउंड अपने वहाँ से दिल्ली से कहने कूड़े करकट से आके, और यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत तेज बहाव है, और ये पूरा वो सामने वहाँ दोनों मिल रही है, और हम गलती से उधर चले गए थे। ये सामने ये आपको दिखाऊं, ये रहा। चलो कुछ नई जानकारी मिली, अच्छा है यार काफ़ी, और व्यू भी बहुत अच्छा है, और मौसम साफ है, पूरा साफ है। और जब आप आओगे तो इस मार्केट से गुजरना पड़ेगा, इसमें खाने पीने की चीज़ तकरीबन है,
ये देख सकते हो आप, खाने पीने की बर्तन बुर्तन जो भी चाहिए वह कपड़े कपड़े सभी यहाँ मिलेंगे आपको। ये स्टेशनरी की दुकान आ गई, तो ये पूरी मार्केट है। ये अब हमने एंट्री कर लिया, ये संगम घाट, ये देख सकते हो आप संगम घाट देवप्रयाग, और ये नीचे रास्ता जा रहा है, और ये उधर भी कुछ घर है, और ये पूरी मार्केट है। मतलब ये है कि आपको खाने पीने की कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो भाई आगे आप, और ये देखिए कितना तेज बहाव। और हम उनने वहाँ से देखा था, और लोकल ने बताया इसका रास्ता नहीं है, लेकिन उन पुलिस वालों ने सही बताया, फिर हम यहाँ से आ गए। यार बहुत अच्छा है ना विक्रम। हाँ बहुत अच्छा यार ये, और साउंड तो अलग ही, मतलब कहने दिल को एक तरह वो कर रहा है आकर्षित, भाव तो बहुत। तो यहाँ पे दोनों नदियों का मिलन हो रहा है, वो अलकनंदा आर्या और ये भागीरथ, और यहाँ से फिर एक, कितना अच्छा मिलन है ना संगम। ये देखिए ये है आपकी, और यहाँ दोनों का संगम हो रहा है। यार मैं भूल गया, ये थी ना अलकनंदा जो आ रही है लंबी वाली, क्यों दादा अलकनंदा यही थी ना हाँ। लंबे वाली, और ये भागीरथ। हाँ बहुत भाव तेज अलकनंदा का, तो ये शांत है भागीरथ। और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे विक्रम, पीछे का पूरा व्यू। और ये आपका, और ये इस रास्ते से हम आए थे।